हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 31 को देखेंगे। सेक्शन 31 कहता है व्हेन कैंसलेशन में भी ऑर्डर्ड, यानी कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड इसमें कहा गया है। अगर आप लोग कैंसलेशन को समझना चाहते हैं तो अगर इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कुछ चीज़ों से, जैसे कि रिसेशन। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड बात करते हैं, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप वहाँ पर भी टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर हम लोग बात करते हैं बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, यानी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज। ठीक है, उससे हम लोग वहाँ पर डील करते हैं। लेकिन जब हम लोग कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग सेल डीड, लीज डीड, गिफ्ट डीड, इन सारी चीज़ों से हम लोग यहाँ पर रिलेट करते हैं। यानी कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड, लीज डीड, गिफ्ट डीड, ये सारी चीज़ होते हैं। ठीक है, तब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है सब पॉइंट वन में, any person against whom a written instrument is void or voidable and who has reasonable apprehension that such instrument if left outstanding may cause him serious injury may sue to have it adjudged void or voidable and the court may in its discretion so adjudge it or and order it to be delivered up and cancelled। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो कोई जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट वॉइड या वॉइडेबल है, ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है एक्चुअली। पहला पार्ट में कहा गया है कि अगर तो वो जो इंस्ट्रूमेंट वो वॉइड या वॉइडेबल है तो उस केस में हम लोग कैंसिलेशन के लिए जा सकते हैं। अब इसमें दूसरा पार्ट में कहा गया है कि अगर उस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं, अगर इस इंस्ट्रूमेंट को अगर हम लोग आगे बढ़ाए, यानी कि अगर आगे चला तो ये मेरे को फ्यूचर में, मुझे या मेरे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको अगर अफेक्ट करेगा, उसको अगर ऐसा लग रहा है कि अगर इसको हम लोग अभी ख़त्म नहीं किए इस इंस्ट्रूमेंट को तो ये आगे जाके हमें दिक्कत करेगा, मुझे या मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिक्कत करेगा, अगर उसको ऐसा लगता है तो इस केस में वो इसको कैंसिल करवा सकता है, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट को वो कैंसिल करवा सकता है। तो दो कंडीशन है, पहला तो है कि या तो वो वॉइड या वॉइडेबल हो, और दूसरा उसको ऐसा लग रहा हो कि अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाते हैं तो फ्यूचर में जाके ये मुझे दिक्कत कर सकता है, मुझे या मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिक्कत कर सकता है, तो उस केस में वो कैंसिलेशन के लिए जा सकता है। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अब इसका सेकेंड सब पॉइंट, सेकेंड सब पॉइंट में कहा गया है इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट द कोर्ट शैल ऑल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स डिग्री टू द ऑफिसर इन हुज ऑफिस द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन सो रजिस्टर्ड एंड सच ऑफिसर शैल नोट ऑन द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंटेंट इन हिज बुक द फैक्ट्स ऑफ इट्स कैंसिलेशन। तो इसमें कहा गया है कि जब वो इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर रजिस्टर्ड किया गया है तो इस केस में अगर उस इंस्ट्रूमेंट को हम कैंसिल करवाते हैं तो जो ऑर्डर का जो कॉपी है वो उस व्यक्ति के, उस ऑफिसर के पास जाएगा जिसने इसको रजिस्टर किया था, जिस ऑफिस से ये रजिस्ट्रेशन हुआ था इसका, उस ऑफिस में जाएगा और वहाँ पे वो कैंसिलेशन वाले फाइल में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि ये इसलिए होता है कि मान लीजिए कि वो जो इंस्ट्रूमेंट वो कैंसिल हो गया, ठीक है, मैंने उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवा दिया, लेकिन जो अदर पार्टी है अगर उसके लीगल हेयर्स कल को अगर आके वो जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके उसका नया नया चीज़ भी, तो यानी कि वापस से उस डीड को वापस से निकाल सकते हैं, ऊपर वापस से निकलवा सकते हैं। अगर मैंने कैंसिल करवा लिया है और वहाँ पे ऑफिस में अगर मैंने वहाँ पे अगर नहीं बताया है तो कल को अगर चाहे दूसरे पार्टी के जो लीगल हेयर है वो अगर चाहे तो ऑफिस से इस डीड को वापस निकलवा सकते हैं और उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जो ऑर्डर का जो कॉपी है वो ऑफिस में पहुंच जाए जहां पर कि रजिस्ट्रेशन हुआ था, ताकि अगले बार अगर उसको कोई निकलवाना चाहे तो नहीं हो सके, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी उसका नोटिफिकेशन चल जाए कि हाँ ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैंसिल हो गया है, तो इसका और आगे कुछ नहीं किया जाए, बस इसमें यही कहा गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।